बढ़ती महंगाई के बीच दिल्लीवासियों को बिजली का जोर का झटका लगा है। राजधानी में बिजली महंगी हो गई है। मध्य जून से दिल्लीवासियों के बिजली के बिल में 2-6% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका भार आने वाले बिल में साफ दिखाई देगा। अब बिजली का बिल पहले की तुलना में अधिक आएगा। हालांकि दिल्ली में हर महीने अभी 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली हुई है। बता दें कि दिल्ली बिजली नियामक आयोग यानी DERC ने बिजली खरीद समायोजन लागत यानी PPAC में 2-6% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर लगने वाले PPAC में 4% की बढ़ोतरी की है। इस वजह से दिल्ली में बिजली महंगी हुई है। कोयला और गैस जैसे ईंधनों के महंगे होने के बाद बिजली वितरण कंपनियों ने ये इजाफा किया है। DERC ने 10 जून को जारी एक आदेश में कहा है कि अतिरिक्त PPAC इस साल 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि दिल्ली में अधिकांश बिजली वितरण कंपनियां घाटे में चल रही हैं, इस वजह से बिजली के दामों में इजाफा किया गया है। हालांकि इस संबंध में DERC की कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आइए जानते हैं कि PPAC क्या होता है और क्यों लगाया जाता है। दरअसल ईंधन की कीमतों में वृद्धि को ऑफसेट करने के लिए PPAC लगाया जाता है। PPAC को बढ़ाने का निर्णय इंपोर्टेड कोयले के सम्मिश्रण, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और बिजली एक्सचेंजों में उच्च कीमतों पर आधारित है। ये एक प्रकार का अधिभार है जो हर बिल पर लगाया जाता है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय के आदेशों के अनुसार इस अधिभार को त्रैमासिक आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए। बता दें कि हाल के दिनों में कोयला और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसका असर बिजली वितरण कंपनियों पर पड़ रहा है। एक डिस्कॉम अधिकारी ने दावा किया कि 2002 के बाद से दिल्ली डिस्कॉम के लिए बिजली खरीदने की लागत में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। ये एक ऐसी लागत है जिस पर डिस्कॉम का कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि इसी अवधि में खुदरा शुल्क में लगभग 90% की वृद्धि हुई है।